राधे राधे सभी को। और आज हम आए हैं मथुरा और यहाँ से हम अपनी ब्रजमंडल की यात्रा को शुरू करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे साथ साथ आप भी ब्रज की यात्रा का आनंद लीजिए। मथुरा से हमने लोकल रिक्शा ली है और अब हम जा रहे हैं मथुरा बस स्टैंड और वहाँ से हम डायरेक्टली बरसाना की फिर बस लेंगे। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये AC बसेस हैं और बहुत इकोनॉमिकल हैं, इससे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो बरसाना बस स्टैंड पे उतरने के बाद फिर से आप रिक्शा लेके बरसाना के लिए पहुंच सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं बरसाना और हम सबसे पहले जाएंगे श्री जी के मंदिर। बोलो बरसाने वाली राधा रानी की जय। और ये है हमारी लाडली जू का महल और अब हम जा रहे हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं श्री जी के महल में और यहाँ पे काफ़ी भक्त आए हैं और राधा नाम की गूंज चल रही है यहाँ पे चारों तरफ। और आज राधा रानी के हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और राधा रानी की हमें प्रसादी चुनरी और माला और 56 भोग भी मिला है, तो ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सारे भक्त राधा नाम के आनंद में झूम रहे हैं। श्री बरसाना धाम में आनंद लेने के बाद अब हम आए हैं कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर भी बरसाना में ही है और श्री जी के धाम के बिल्कुल पास में ही है, तो जब भी आप बरसाना जाएं तो कीर्ति मंदिर भी विज़िट कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं सांकरी खोर। और सांकरी खोर किस लिए जानी जाती है, इसकी जो कथा है हम आपको ब्रजवासियों के द्वारा ही सुनाएंगे। ये सप्तम स्वरूप शेषनाग, आप गौर से देखोगे तो दिखेगा। 11 में रुद्र हनुमान जी, बाबा ताती का पैर, सुरभि गाय, कामधेनु गाय का खोर, और ये सिंह स्वरूप में दाऊ दादा ठाकुर जी के बड़े भाई। यहाँ मटकी तोड़ी है ठाकुर जी ने, इस गली में यहाँ से आगे नहीं जाने दिया, जो इस गली में यहाँ से आगे निकला उसकी मटकी तोड़ी। तो ये जगह पहले यहाँ दंडौत करो फिर चलो ठाकुर जी के हस्त चिन्ह ऊपर। जमुना पुले में कुंज गए वर की, जमुना जी पहले इसके पास पास होकर बैठी थी, इसलिए जमुना रंग के जा नहीं सकती थी सखी, इसलिए इस गली को अपनाया। वो ठाकुर जी का बैठने का स्थान जो सामने आपको छतरी दिख रही है ऊपर में, ये ग्वाल वालों का, इधर में श्री जी का बैठने का स्थान जो तुम्हारे पीछे में, तुम तो कल भी आया नहीं, ये श्री जी का बैठने का स्थान पीछे ऊपर में ठाकुर जी बैठा था, वो छतरी आपको दिख रही है। ये वाला सिंहासन है ग्वाल वालों का, इधर में श्री जी का। सकरी गली बनी पर्वत की, ददले चली कुमर की रथ की, आगे आवर छाछ पे नाच नचावे, ठाकुर जी को जबरदस्ती ऊपर नचायो ले जाके, तो उस जगह का नाम है नव विलासगढ़। और उस पर दो लीला भाई जो आप डांडिया रमते हो नहीं साथ में नवरात्रि, अब कल से शुरू हो जाएगा, तो जो नव विलास गाते हैं वो 9 दिन नव विलास वहाँ हुआ ऊपर। दूसरी बार में ठाकुर जी को सखी कहने लगी कि देखो महाराज आप रोज लूटो अपने हाथ से इतनी कर से मेहनत करते हो, ये मेहनत मत करो मैं आपको खुद खिलाऊंगी, पर आप कहाँ बैठोगे, तो इस पर बस से लाके यहाँ पीछे में शिखा बंधन स्थल है जहाँ ठाकुर जी की चोटी बांध दी। दो सखी खवाए लगी और दो ने पीछे से चोटी बांध दी। कहते हो ना कि भाई मंसका को हवाई लगाई है, मंसका मेरी चुटिया को खोल बन, महाराज मैं कहाँ से खोलूँ मेरी बंदी पड़ी है। तो यहाँ चोटी बंधन लीला भाई,
तीसरी बार में ठाकुर जी पकड़े गए इस गली में तो ले गई, वन आज ही आनंद के सुधार देंगी जी, रोज प्रतिदिन हमारी मटकियां तोड़े। तो ठाकुर जी को यहाँ से पूरा श्रृंगार कराया, लहंगा चुन्नी बंगड़ी चूड़ी मंगलसूत्र सब कुछ पहरा के ऊपर ले गई। तो उस जगह पर जाके बोली कि भाई इस गली का कर होता है, तुम हर बार हमसे गोपी भाव में ले, आज हमको दो। ठाकुर जी बोले मैं तो ग्वारी आऊँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो बन हाथ खड़े कर। तो ऐसे हाथ खड़े करे तो बंसी दिख गई, तो बंसी श्यामा जी ने दान में ले ली। अब सब सखियाँ कहने लगी जब श्यामा जी को दे दियो तो हमको दो। ठाकुर जी बोले मेरे पास तो कुछ ना है, भाई ना है तो ब्रज की कहावत है, श्रम कर मजदूरी करके हमारे दान को बटा के जा। ठाकुर जी बोले ठीक है, क्या करवाओगे? तो दानगढ़ ऊपर पक्का झूला है, माँ झूला ऊपर श्यामा जी विराजमान करा दें और सवा पहर झोटा लगाए। तो हर जगह दान लियो, जब उल्टो दान दियो, जगह को नाम करो दानगढ़। इसी गली के कारण, इसी गली में उदो जी को श्राप लगे, उदो जी को भी श्राप इसी गली में लगा। जब गोपियां रोती हुई जा रही लेके मटकी, तो उदो जी कहवे लगे कि भाई क्यों रो रही हो, ठाकुर जी मथुरा विराज रहो। मान कि नहीं, हम ठाकुर जी तो यहाँ रोज मिले करें और रोज हम तो मक्खन ले करो, आज वो है नहीं इसलिए हम रो रहे हैं। तो उनको ज्ञान से खाने लगा उदो, ज्ञान से खाए लगा तो उदो जी को श्राप दे दिया गोपी ने, वन हे मूर्ख तू जड़ के समान है, अभी जड़ हो जा। तो जितना भी तुम पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ भी जो हल रहा है ये उदो जी को ही स्वरूप है। इस पहाड़ी ऊपर सब पे उदो है, इसको ब्रजभाषा में धो बोला जाता है। इसी गली में दियो। एक बार चंद्रावली आई, जो हस्त चिन्ह है तुम्हारे पीछे, ठाकुर जी को दूर से दिख गई। उसने अपने सब ग्वाल बालों को उतार लिया और कहा कि आज इससे दान लेंगे। तो चंद्रावली दूर से ही समझ गई, क्योंकि अगर ना करूं तो नहीं जाए और हाँ करूं तो प्रीत जाए। अगर मैं हाँ करती हूं तो मेरी प्रीत खत्म हो जाएगी और ना करती हूं तो मेरा नेह खत्म है जाओ, इसलिए सकरी गली या मैं हाँ करी ना ना करी। ठाकुर जी ने सखी ऐसी फंसा दी ना, तो ये कहवे की रही कि मैं दूंगी, ना ये कहवे की रही कि नहीं दूंगी। अब जब सखी यहाँ से निकलने लगी तो चंद्रावली दिख गई दूर से, तो ठाकुर जी ने कही कि मैं आज तो मैं बगैर दान लिए नहीं जाने दूंगा। हमारो दान देहो गुजरेटी, बहुत दिना चोरी दत बेचो आज अचानक बेटी, तू रोज चोरी तो निकल जा, अब नहीं जाने दूंगा। चंद्रावली कहवे लगी कि नहीं महाराज, अतरज काज करेगी बड़े गोप की बेटी, श्री जी तो राजा की पुत्री है, तुमको ऐसे नहीं दूंगी। कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन घर, कुम्मन दास जी ने पद लिखे कि जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया वो जो ओढ़नी लपेटी, मतलब जो साड़ी के ऊपर हमारे यहाँ की जो लोकल लेडीजें होती हैं वो ओढ़नी ओढ़ती हैं, वो ओढ़नी ऐसे ऐसे अंटा लगाया हाथ में ऐसे खींचा, तो सिर से रखी मटकी गिरी और ठाकुर जी ने दान लिया। सुबल मधुमंगल लवंग अर्जुन चारों सखाओं को यहाँ बैठा के गए और कह के गए कि मैं जब तक नहीं आऊँ जब तक तुम इनको जाने नहीं देना। अब सखी सोच में लगी कि ठाकुर तो निकल गया पत्ता लेने, तो ठाकुर जी यहाँ पूरा ब्रह्माचल घूमे पर कहीं पत्ता नहीं मिले, तो यहाँ से पूछ निकालो टापरता गिरिराज जी में, वहाँ से एक किलोमीटर आगे श्याम डाक है, वहाँ से डाक के पत्ता लाए। इतनी देर में यहाँ समय हो गया तो चंद्रावली ने अपने दिमाग लगाया कि कैसे निकल के जाऊँ। तो मंसका से बोली, अरे मंसका मेरी गोरस को स्वाद बता, पर आँख बंद करके बताना। जैसे ही आँख बंद करी तो सखी को नकारने की सोची, तो मंसका ने अपने मन में सोची कि अगर तू दोबारा कछु किंतु परंतु लगावेगा तो सखी दोबारा ना खवावेगी। बोल दी तुम्हारी जो ये गौरस है अमृत के समान है, अमृत का वर्णन कर दिया। उसी बात को सुन के सब और सखाओं के मुंह में पानी आ गया और कहने लगे हम कहिया ये खवा देगी, जी तेरे कसम लगे हमसे कोई संबंध ना है। तो मैं सब आंख बंद करो, जैसी आंख बंद करी और सब सखी को निकाल ले गई। जब रसिया गाया गूंठा दिखाई रस ले गई री बरसाने की गोरी, आज भी गाया जाता है वो। तो ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे कहाँ गई सखी? तो बोल महाराज ऐसे ऐसे पागल बना के बग गई। तो ठाकुर जी तेजी से कूदे तो इस हाथ में जो पत्ते थे तो ये हाथ तो ऐसे टिका और ये हाथ ऐसे टिका, तब से दोनों हंसते चले। चरण ठाकुर जी के हैं छोटे छोटे, आप फोन में देखोगे नहीं साफ से, तो खींचो तो दोनों चरण दिखेंगे, दिख रहे हैं नहीं? और ये श्री जी का है जाती हुई का भवन की तरफ, ये नूपुर है ना,
साकरी खोर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोवर्धन गिरिराज जी के लिए, और इस बार हम रिक्शा से ही परिक्रमा करेंगे। लीजिए दर्शन कीजिए राधा कुंड के, जिसके दर्शन हमें गोवर्धन परिक्रमा के दौरान होते हैं। और परिक्रमा मार्ग में ही आगे अब हम आए हैं नारद तपस्या स्थली पर, और नारद तपस्या स्थली में पीछे की तरफ में यह है नारद कुंड, जो कि काफी बड़ा है और काफी नीट एंड क्लीन है। गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त करके और प्रसाद पाकर अब हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन हम आ चुके हैं, आइए आपको लिए चलते हैं इस्कॉन टेंपल में। आज के आनंद कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट डे हमने क्या किया वृंदावन में, ये जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा। राधे राधे।